हेलो गाइस, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो। दोस्तों, आज इस वीडियो में रियलमी C2 का अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है एंड उसके साथ एक छोटा सा गिव अवे आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो आप लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो की बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस फोन को जीत सकते हो। ऐसे भी इसका जो गिव अवे होगा, इसका जो टर्म एंड कंडीशन, वो थोड़ा अलग होगा। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह रियलमी C2 का बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। रियलमी ब्रांडिंग है, C2 लिखा है। राइट साइड की तरफ आपको रियलमी C2 देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ आपको सेम मिलेगा। ऊपर की तरफ रियलमी का लोगो है एंड नीचे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह है। अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, रियलमी C2 लिखा है एंड कलर वगैरह दिया है। तो गाइस, चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। दोस्तों, बॉक्स बहुत ही टाइट है एंड बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है और एक बॉक्स। इसके अंदर हम लोगों को पता है क्या क्या होगा। दोस्तों, इसके अंदर यूज़र मैनुअल गाइड है, लेकिन गाइस यहाँ पे एक बात मुझे फॉलो किया मैंने, जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, वो कि बैक केस आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे सिम रिजेक्टर टूल दिया गया है। तो गाइस, चलिए इसके अंदर और क्या है देखते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा मेन पार्ट है वो है गाइस इसका फ़ोन। तो इसको अभी साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या दिया गया है। दोस्तों, बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है चार्जिंग एडाप्टर। इसका जो आउटपुट है मैं आपको दिखा देता हूँ। फोकस कर ले, फोकस 5V 2A आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका जो केबल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो केबल है वो है गाइस USB केबल होगा शायद, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो USB केबल दिया है, टाइप सी नहीं दिया है। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि 5000 रुपीज के आसपास आता है। दोस्तों, आप आते हैं हमारा मेन पार्ट जो है गाइस इसका फोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको इस रैप को मैं हटा देता हूँ और पहले आप बैक साइड का जो डिजाइन है वो देखिए। दोस्तों, इसका जो बैक साइड का डिजाइन डायमंड काट दिया है, दोस्तों काफी अच्छा लुक देता है। और दोस्तों, मैं ब्लू कलर का खरीदता, लेकिन गाइस फास्ट सेल में 3GB 32GB सिर्फ था और वो सिर्फ ब्लैक कलर का, इसीलिए मैंने इसको खरीदा हूँ आप लोगों के पास अनबॉक्सिंग एंड गिव अवे करने के लिए। ऐसे भी इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। बैक साइड की तरफ आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, बैक साइड की तरफ डायमंड कार्ड मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है एंड रियलमी का ब्रांडिंग लिखा है। अगर आप राइट साइड की तरफ देखोगे तो आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ अगर देखोगे तो स्पीकर दिया गया है एंड माइक्रो USB पोर्ट है, सेकेंडरी माइक्रोफोन एंड माइक्रोफोन दिया गया है एंड 3.5mm जैक दिया है। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन दिया है और यहाँ पे सिम ट्रे दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डेडिकेटेड सिम स्लॉट या हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या दिया है। दोस्तों, आप भी देख सकते हो डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है एंड रियलमी हर फोन में डेडिकेटेड सिम स्लॉट देता है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। और फ्रंट साइड की तरफ आपको वाइट एड ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया है। तो गाइस, चलिए पहले फ़ोन को मैंने बूट करता हूँ या सेटअप करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों, फ़ोन हो चुका है सेटअप, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे भी मैं आपको पहले सेटिंग में लेके जाता हूँ एंड सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको अबाउट फोन में लेके जाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि फ़ोन के अंदर क्या क्या है। दोस्तों, अबाउट फोन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रियलमी C2 लिखा है, मॉडल नंबर वगैरह लिखा है एंड हमारे पास है 3GB 32GB वेरिएंट, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो एंड्रॉयड वर्सन दिया है वो है गाइस पाई दिया है, तो काफ़ी अच्छी बात लगा है मुझे, रियलमी यहाँ पे पाई दिया है। ऐसे भी चलिए और क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी कुछ नहीं है। ऐसे भी इसका बहुत सारे वीडियो आ रहा है, उसके लिए ज़रूर इंतज़ार करना। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फेस अनलॉक कितना है फास्ट। दोस्तों, आप ये भी देख सकते हो, थोड़ा टाइम स्वाइप करना पड़ेगा, मैं इसको सेट कर लेता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने सेटअप कर लिया, अभी देख लेते हैं कि कितना है फास्ट। दोस्तों, मैंने पावर बटन ऑन किया एंड दोस्तों देख सकते हो लॉक स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, आप ये भी देख सकते हो लॉक स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात लगा है मुझे, यहाँ पे लॉक स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे भी इसका फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो मैं आपको टेस्ट करने का कोई बात ही नहीं है। तो गाइस, इसका कुछ कैमरा सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ, पहले फ्रंट कैमरा का कुछ सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कुछ सेल्फी कैमरा का सैंपल, जो कि मैंने आउटडोर में लिया हूं। ऐसे भी ये फास्ट इंप्रेशन है। इसका डिटेल कैमरा रिव्यू आपको चाहिए या नहीं कमेंट सेक्शन में, या यहाँ पे पोल दिया हूं, आप वहां पे जाके जरूर बताना कि आपको इसका डिटेल कैमरा रिव्यू चाहिए या नहीं। दोस्तों, इसका कुछ बैक कैमरा का सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कुछ बैक कैमरा सैंपल, ये भी मैंने थोड़ा आउटडोर में लिया हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बैक कैमरा का सैंपल कैसा है। मैंने जैसे कि बोला, ये सिर्फ फास्ट इंप्रेशन है,
डिजिटल कैमरा रिव्यू के लिए यहाँ पे जरूर वोट करना, आपको चाहिए या नहीं। दोस्तों आप बात करते हैं गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों जो पहला कंडीशन है ओए गाइस आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा जो कंडीशन है ओए गाइस ट्विटर में फॉलो करना पड़ेगा, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस तीसरा जो कंडीशन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना पड़ेगा, सब्सक्राइब मस्ट। उसके बाद जो कंडीशन है ओए गाइस लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और उसके बाद आपको एक कमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो के नीचे, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एक कमेंट मस्ट करना, इंस्टाग्राम में फॉलो, ट्विटर में फॉलो मस्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये सारे कंडीशन आप फॉलो कर लेते हो तो आपका हो जाएगा ए फोन। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।